आलिया भट्ट बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल एक्ट्रेस है। जी हाँ, उनके फनी मोमेंट्स और उनकी जेन्युइन पर्सनालिटी ही उनके फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आती है। आलिया भट्ट ने हमेशा से ही अपनी क्यूट और फनी बिहेवियर की वजह से अपने फैंस का दिल जीता है, वो भी पूरी मासूमियत के साथ। और आज जब आलिया भट्ट अपना 26th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, हम उनके फैंस के लिए लाए हैं आलिया भट्ट के सभी फनी और क्यूट मोमेंट्स। आलिया भट्ट के इन हिलेरियस मोमेंट्स की शुरुआत हुई थी कॉफी विद करण सीजन 4 में, जब उन्होंने इस चैट शो पर अपना डेब्यू किया था। जी हाँ, ये वही वक्त है जब आलिया भट्ट ने अपने रॉन्ग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाले आंसर से सभी का मन जीत लिया था। जब करण जौहर ने आलिया से पूछा कि इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, तो उन्होंने झट से कहा पृथ्वीराज चौहान। उस वक्त के बाद से ही आलिया भट्ट को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया था। इसके बाद बारी आई थी फिल्म टू स्टेज के प्रमोशन की, जहां आलिया भट्ट एक चैट शो में को-स्टार अर्जुन कपूर के साथ पहुंची थी। जब अर्जुन इंटरव्यूअर से बात कर रहे थे, तो आलिया भट्ट ने सामने पड़े स्नैक्स को सूंघना शुरू कर दिया। जब इंटरव्यूअर ने इस बारे में पूछा, तो आलिया भट्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो डाइट पर है, इसीलिए वो इसकी खुशबू लेना चाहती है और अपना पेट भरना चाहती है। इस आंसर से अर्जुन कपूर हंस हंस कर लोटपोट हो गए थे। आलिया भट्ट के ये क्यूट एंटिक्स सिर्फ चैट शोज तक सीमित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया इंटरैक्शंस के दौरान भी वो कई बार कुछ ऐसी चीजें बोल देती हैं, जिसकी वजह से मीडिया वाले तक हंसने लगते हैं। फाइनली आलिया भट्ट के इन क्यूट अडोरेबल मोमेंट्स में से सबसे लेटेस्ट नमूना है करण जौहर के शो कॉफी विद करण के लास्ट एपिसोड का, जहां वो पहुंची थी दीपिका पादुकोण के साथ। अब यहां जब करण जौहर ने आलिया से गाना गाने को कहा, तो आलिया भट्ट ने गाना गाने से पहले ही डकार ले ली, जिस पर करण जौहर और दीपिका दोनों ही हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। तो ये थी आलिया भट्ट की वो सभी एंटिक्स और फनी मोमेंट्स, जिसकी वजह से उनके फैंस उन्हें बेहद पसंद करते हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।